हमीरपुर के सिंथेटिक ट्रैक अणु में चल रही राज्य स्तरीय अंडर 19 एथलेटिक्स मीट का समापन हो गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर धूमल का पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया और खिलाड़ियों ने मार्च पास की सलामी भी दी। प्रतियोगिता की 100 और 200 मीटर दौड़ में हमीरपुर के कौस्तुब ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि बिलासपुर के कनिष चौहान तथा मंडी के रोहित ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि लड़कियों की 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में हमीरपुर की दिव्या ने पहला, रंजना ने दूसरा और साई होस्टल धर्मशाला की कुसुम ने तृतीय स्थान हासिल किया। मुख्य अतिथि ने सभी विजेता तथा उप विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान की। प्रतियोगिता में प्रदेश भर के सभी जिला और खेल छात्रावास धर्मशाला और बिलासपुर के लगभग 620 एथलीट्स ने भाग लिया। 62वीं उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के अंडर 19 छात्र व छात्राओं की राज्य स्तरीय 3 दिवसीय वार्षिक एथलेटिक प्रतियोगिताएं हमीरपुर में संपन्न हो गई हैं, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों व खेल छात्रावास धर्मशाला व बिलासपुर के 620 एथलीटों ने भाग लिया है। समापन समारोह के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वह शिक्षा के साथ खेलों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए व्यय किए जा रहे हैं, जिससे नई खेल प्रतिभाएं उभर कर सामने आ रही हैं। इस अवसर पर उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी तथा जो खिलाड़ी बेहतर नहीं कर पाए उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि असफलता ही सफलता की पहली सोपान है, इसलिए हारने वाले खिलाड़ियों को निराश न होकर दोगुने उत्साह से जीत के लिए प्रयास करना चाहिए। तो जो शानदार प्रदर्शन आपने किया है उसके लिए आपको सम्मान। राजेंद्र शर्मा जी ने महत्वपूर्ण बातों पर आपका ध्यान आकर्षित किया है। कुछ वर्ष पहले तक विश्व खेल की दुनिया में 130 करोड़ के भारत का क्या स्थान था वो हम सब जानते हैं। आदि वाले देश थे, वो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत लेते थे और भारत के आगे जीरो लिखा होता। विश्व का सबसे बड़ा देश संख्या के आधार पर होने के बावजूद लगभग खत्म हो गई थी। ऐसा नहीं था कि यहाँ टैलेंट नहीं था, लेकिन सुविधा नहीं थी, प्रशिक्षण नहीं था। उन्होंने इस कमी को राष्ट्रीय स्तर पर महसूस किया खिलाड़ियों को सुविधा मिले। उनको अच्छे प्रशिक्षण मिले, अभ्यास तो मिला, लेकिन जो अभ्यास की सुविधा हुई खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलना शुरू हुआ। तो जो गेम्स बिना खर्चे के और जो स्वाभाविक तौर पर गांव में हम खेलते हैं बिना बड़े मैदान के, कबड्डी जैसी गेम्स तो हर स्कूल में हर कॉलेज में होनी चाहिए और जितनी बड़ी प्रतिस्पर्धा होगी उतने अच्छे खिलाड़ी निकल के आएंगे। कबड्डी को पिछले कुछ वर्षों में सम्मान मिला है और आज देश को गौरव प्राप्त है कि देश की टीम का जो कैप्टन है वो हिमाचल प्रदेश का अजय ठाकुर। कोई भी खेल खेलोगे उसमें अच्छे निकलोगे तो आपका नाम होगा। खेल के मैदान में स्पोर्ट्स पर्सन खेल के मैदान में स्वयं लगाते हैं, उनके लेक्चर पूरे नहीं होते। मैंने वहां भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूं, हम प्रदेश सरकार के साथ, विश्वविद्यालय के साथ और संबंधित अथॉरिटीज के साथ मामला उठाएंगे
कि जो एथलीट्स जो प्लेयर्स प्ले ग्राउंड में टाई लगाते हैं उनके लेक्चर्स का क्रेडिट उनको मिलना चाहिए, उनकी ग्राउंड के अटेंडेंस को लेक्चर में शामिल कर लेना चाहिए। क्रीड़ा संघ की उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के छात्रों की 62वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के विधिवत समापन की घोषणा करता हूँ। प्रतियोगिता की 100 व 200 मीटर दौड़ में हमीरपुर के कौस्तुभ ने पहला स्थान जबकि बिलासपुर के कनिष चौहान तथा मंडी के रोहित ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार लड़कियों की 100 और 200 मीटर की दौड़ में हमीरपुर की दिव्या ने पहला, संजना ने दूसरा तथा साई होस्टल धर्मशाला की कुसुम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। मुख्य अतिथि ने सभी विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान कर पुरस्कृत किया। मेरा नाम है कौस्तुभ, अकेडमी पब्लिक स्कूल में इस प्रतियोगिता में मेरा 100 और 200 मीटर पहली पोजीशन है। इसका योगदान स्कूल को और आपकी 10 पहले मैं 5 की दौड़ती थी, इस बार मैंने 1500 4 55 में दौड़ी और 3 किलोमीटर पहले मैं 11 में दौड़ती थी, इस बार अभी मेरे को पता नहीं है। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।